महिलाओं, कांग्रेस की महिलाओं, सेवादल की महिलाओं सत्याग्रह छावणी में कार्यक्रम कर रही थी। अमरा विरोध पक्ष नेता अमे महिला धारासभ्य अमरा प्रमुख बीजा धारासभ्य बधा त्या हाजर था। पोलिस की मंजूरी थी आ कार्यक्रम करेलो। कार्यक्रम दरमियान पूर्णावृति आरे हतो त्यारे आ राज्य पोलिस अधिकारी से गृहमंत्री रेम नजर हेठ एम इशारे कांग्रेस की महिलाओं पर पोलिस पुरुष पोलिस अधिकारी मार्फत एमने मार पारवामा आव्यो। एमना गुप्त अंगों पर जे रीते एक संस्कृति ने तो ने पड़े एक मानवता विरुद्ध कृत्य आ गुजरात पोलिस अधिकारी पुरुषों करू से अमरा जी विरोध पक्ष नेता ने बीजा धारासभ्य था एमने विनंती करी एमने पर ना सांभ्या अने एमने पर त्या पोलिस ग्राउंड पर लई जईने एमने अरेस्ट कर्या छे। अमारी जी महिला सेवादल की बहनों थी एने सीविल हॉस्पिटल में दाखल करी छे। त्यारे आंतरराष्ट्रीय महिला दिवस होय गृहनी अंदर सारी सारी बातों थती होय अने एज दिवसे जारे गुजरात की पोलिस मार्फत महिलाओं पर अत्याचारों थता होय जे एक कृत्य आवा खराब करवामां आवता होय त्यारे गृहनी अंदर अमारा गुजरात प्रदेश ना माजी प्रमुख गुरुना सभ्य अमित भाई चावड़ाए गृहमंत्री ने आ बात पर जवाब आपवा माटे कह्युं। अधिकारी पाछळ पगला लेवानी बात करी समग्र मीडियाए लाइव बताव्युं हतुं अने छतां पण एवी बात करे के गृहनी अंदर एनी सीढ़ी रजू करवामां आवशे एनी जे काई कार्यवाही करवामां आवशे त्यारे हूँ एक महिला धारासभ्य तरीके महिला तरीके आ गुजरात सरकार पासे गृहमंत्री पासे अपेक्षा राखूँ के तमारा मां महिलाओं माटे नी सेज पण लागणी होय तमे महिला आंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की उजवणी में सारी बात करता होय तो जे महिलाओं पाछळ आवी आज कई कृत्य कर्युं छे एवी पोलिस ने सस्पेंड करो एनी पर कार्यवाही करो अने अमारी जी महिलाओं साथे आ व्यवहार कर्यो छे एनो गृहमंत्री विधानसभा में माफी मांगे अने नैतिकता ना धोरणे एमने खरेखर राजीनामु आपी देवुं जोईए। आवुं मारुं गुजरात सरकार पाए अने गृहमंत्री पाए मारी मांगणी अन्य अध्यक्षाना माध्यमथी गृहनुं सरकारनुं ध्यान दोर्युं के आवो खराब बनाव बन्यो छे अमानुष अत्याचार करवामां आव्यो छे ए अंगे गृहमंत्री माहिती मेळवीने निवेदन करे અને એની માટે રજૂઆત કરવા ગયેલા ધારાસભ્યશ્રીઓ વિપક્ષના નેતાઓની પણ અટકાયત થઈ હોય અને વિધાનસભાની કાર્યવાહી ચાલતી હોય તો ગૃહની જવાબદારી બને છે અધ્યક્ષ કરતાં પહેલી સરકારની જવાબદારી બને છે કે અધ્યક્ષને જાણ કરે પણ ગૃહમંત્રીના ઈશારે જ જ્યારે આખી કાર્યવાહી થતી હોય સરકાર જ મહિલાઓ પર અત્યાચાર કરવા માટેના આદેશો આપતી હોય મહિલા દિવસની ખાલી સુફિયાણી વાતો ગૃહમાં થાય અને એ જ ગાંધીનગરમાં મહિલાઓ પર અત્યાચાર થાય આ બતાવે છે કે ભારતીય જનતા પાર્ટીની બેવડી નીતિ છે બોલવાનું કઈ ને કરવાનું કઈ બે મોડાની વાતો છે મહિલા સન્માનની વાતો ખૂબ થાય પણ જે રીતે આખા ગુજરાતમાં મહિલાઓ પર અત્યાચાર થઈ રહ્યા છે હત્યાઓ થઈ રહી છે બળાત્કારો થઈ રહ્યા છે છેડતીઓ થઈ રહી છે મહિલાઓ સલામત નથી એ જ રીતે આજે ગાંધીનગરમાં પણ મહિલા પરનો અત્યાચાર સ્પષ્ટ બતાવે છે કે આ સરકારની ખોટી નીતિઓને કારણે ખોટી બેજવાબદાર એની પદ્ધતિઓને કારણે મહિલાઓ સલામત નથી એનો આ જીવતો જાગતો દાખલો કોંગ્રેસની મહિલાઓ ઉપરનો અત્યાચાર છે।